हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है उसकी जो विविध उदाहरण है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। विविध उदाहरण के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और विविध उदाहरण के जो प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़े बड़े नंबर्स में, ठीक है। इसीलिए विविध उदाहरण को करना ही करना है, कुछ करो या ना करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, तो आज की वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है अवकल समीकरण के विविध उदाहरण सॉल्व करेंगे। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में विविध उदाहरण से प्रश्न बहुत आते हैं और विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको मेरे हैंडरेड नोट्स के अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उदाहरण नंबर 19 क्या कहती है, सत्यापित कीजिए कि वाई बराबर C1 e की पावर AX cos BX प्लस C2 e की पावर AX sin BX, जहाँ C1 और C2 हमारे कॉन्स्टेंट है, अचर है। इस अवकल समीकरण का क्या है हल है, इस अवकल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ये हमें बताना है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, और ये हमारे पास y है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें y दे रखा है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले हमारे पास y क्या है, C1 e की पावर AX cos BX प्लस C2 e की पावर AX sin BX। तो हमें क्या करना है, पहली बार अवकलज करना है, तो हम कर देंगे अवकलज। तो यहाँ लिखोगे पहली बार अवकलज करें dy/dx। तो देखो C1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट और फंक्शन रहने में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और d/dx अवकलज किसका होगा, e की पावर AX cos BX का। फिर यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ अवकलज किसका हो जाएगा, d/dx e की पावर AX शाइन BX का, ठीक है। अब इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। अवकलज में फर्स्ट और सेकेंड किसी को भी मान सकते हो, ये आप जानते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अवकलज करना है। तो C1 टोटल के बाहर है, तो अब जानते हैं पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का अवकलज, cos x का अवकलज क्या होगा, माइनस के शाइन BX, और x का जो भी गुण होता है वो गुणे में लग जाता है। एक ही स्टेप में अवकलज कर रहे हैं, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणे पहले एक वाले का अवकलज, e की पावर AX का अवकलज, e की पावर AX, x का जो भी गुण है वो गुणे में लग जाता है, लगा दिया हमने। प्लस फिर आ जाओ C2 बाहर है, फर्स्ट वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का अवकलज, साइन का अवकलज क्या होता है, cos BX, और x का गुणज क्या है, b, वो गुणे में लग जाएगा। प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे, ठीक है, दूसरा वाला क्या साइन BX वैसे का वैसे, और पहले वाले का अवकलज हो जाएगा, e की पावर AX का अवकलज e की पावर x, और x का गुणज क्या है, a, वो गुणे में लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, e की पावर AX हर एक स्टेप में से क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मैंने क्या किया, e की पावर AX उभयनिष्ठ निकाला, हर स्टेप में है कॉमन, तो यहाँ से बाहर आएगा, गुणा हो जाएगी माइनस के बी C1 शाइन BX, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का a, और ये C1 से गुणा हो रहा है, e की पावर x तो बाहर आ गया, यहाँ आ जाएगा cos BX, फिर C2 है, e की पावर x बाहर आ चुका है, C2 b, यहाँ से cos BX, फिर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और ये C2 और यहाँ बचेगा sin BX, ठीक है, क्योंकि e की पावर x टोटल के क्या बाहर है। ये हमें मिल चुका है dy/dx, एक बार हमने अवकलज किया, ये हमारे पास ऑलरेडी y है, ये हमें मिल चुका है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अवकलज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ आ जाओगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष फिर से अवकलज कर दो तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट होगा और ये पूरा सेकंड हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा सेकंड। तो आप जानते हैं पहला वाला वैसे का वैसा, पहला वाला वैसे का वैसा, अब पूरे का अवकलज करना है। देखो बी सी वन कॉन्स्टेंट है, साइन का अवकलज क्या होता है कॉश, कॉश बी एक्स, और एक्स का अवकलज क्या है बी, गुणे में लग गया। फिर आ जाओ ए सी वन कॉश का अवकलज क्या होता है माइनस का साइन, माइनस में पहले ही लगा चुका हूँ, साइन बी एक्स, और एक्स का अवकलज क्या है बी, वो गुणे में लग जाता है अवकलज में। फिर देखो ये कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा सी टू बी, कॉश का अवकलज क्या होता है माइनस, लगा चुका हूँ साइन बी एक्स, और एक्स का अवकलज क्या होता है बी। फिर आ जाओ प्लस ए सी टू, साइन का क्या होता है कॉश बी एक्स, एक्स का अवकलज क्या है बी, वो गुणे में लग जाएगा, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे, ये पूरा वैसे का वैसा लिखोगे, माइनस के बी सी वन साइन बी एक्स ए सी वन कॉश बी एक्स प्लस सी टू बी कॉश बी एक्स प्लस ए सी टू साइन बी एक्स, ठीक है, और दूसरे वाले का अवकलज, एक ही पावर ए एक्स का अवकलज, एक ही पावर ए एक्स, और एक्स का जो भी गुणज होगा ए, वो कुड़े में लग जाएगा, ठीक है। आप इसको यहां भी रहने दे सकते हो। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में क्या होता है, आपको आपका उत्तर मालूम है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है बस, आप तो पहले से ही ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो मुझे पता है। अब यहाँ पर लिखना है प्रश्न अनुसार, क्योंकि हल आपने कैलकुलेशन सही किया है, आपको उत्तर लाना है जीरो, ये आपको पता है, सारे मान रखो, थोड़ा सा कैलकुलेट करो और फिर सारा काट पीट के जीरो दिखा दो। हमें प्रश्न में आ जाना है, क्या रखना है, डी टू वाई एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए से गुणा होगा, फिर डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको हल करके हमें क्या लाना है, जीरो ला के दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स तथा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, हम क्या करेंगे, मान रखेंगे कहाँ कहाँ पर, एक तो यहाँ रखना है और एक यहाँ रखना है, और वाई का भी मान यहाँ रखना है, ठीक है, वाई का भी मान रखना है। अब सारे मान उठाकर आराम से प्यार से रखते चलो। सबसे पहले डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है ना, इस मान को हमें रखना है, तो रखते हैं ए की पावर ए एक्स माइनस में है बी गुणा बी बी स्क्वायर सी वन कॉश बी एक्स, फिर क्या है माइनस में ए बी, यहाँ से मैं देख देख के लिखता हूँ ना, माइनस का ए बी साइन बी एक्स माइनस बी गुणा बी बी, ये हो जाएगा सी टू बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है, ये मान रख दिया। फिर प्लस क्या ए ए बी ए बी सी टू कॉश बी एक्स, कितने स्टेप हो गए, एक दो ए बी, ठीक है, यहाँ पे क्या है सी टू बी, ये हो गया। अब यहाँ से आएगा ए बी सी टू कॉश बी एक्स, ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद क्या है प्लस ए की पावर ए एक्स, और देखो इस ए से अंदर गुणा करना है, ध्यान रखना, माइनस का ए बी सी वन साइन बी एक्स प्लस ए गुणा ए ए स्क्वायर सी वन कॉश बी एक्स प्लस ए बी सी टू कॉश बी एक्स, फिर ए गुणा ए ए स्क्वायर सी टू साइन बी एक्स, ये हमने डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान रखा है, ठीक है। अब हमें दो ए से गुणा करना है और डी वाई बट्टा डी एक्स का मान रखना है, ये है डी वाई बट्टा डी एक्स का मान, देख रहे हो, ये समीकरण नंबर दो। तो गुणे में ए की पावर ए एक्स माइनस का बी सी वन साइन बी एक्स ए सी वन कॉश बी एक्स प्लस
सी टू बी कॉश बी एक्स प्लस ए सी टू शाइन बी एक्स। ये डीवी बटा डी एक्स का मान रखा मैंने, उसके बाद क्या करना है प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब वाई से गुणा करना है, वाई का मान रखना है, वाई का मान ये है, ये मान हमें यहाँ रख देना है सी वन ए की पावर ए एक्स कॉश बी एक्स प्लस सी टू ए की पावर ए एक्स शाइन बी एक्स। ठीक है, अब चाहो तो थोड़ा गुणा कर लो, थोड़ा इस फंक्शन को एक्सपेंड कर दो और फिर देखोगे कि सारे टर्म कट जा रहे हैं। आपको सोचना भी नहीं कि कट रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, एग्जामिनर उतना नहीं देखेगा, सारा मान रखना है और थोड़ा खोलने के बाद सारा काट देना है और फिर लिख देना जीरो और फिर लिख देना राइट हैंड साइड के बराबर। अतः वाई बराबर जो भी दे रखा है आपका, वाई बराबर क्या दे रखा है ए की पावर ए एक्स कॉश बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर सी वन भी है, सी वन ए की पावर ए एक्स फिर सी टू ए की पावर ए एक्स शाइन बी एक्स, शाइन बी एक्स अवकल समीकरण का हल है, ये लिख देना है अवकल समीकरण का हल है, ये चीज आपको लिख देनी है। अगला जो उदाहरण है उस पर आ जाते हैं, क्या है कह रहे हैं इस अवकल समीकरण विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, और विशिष्ट हल निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है जब y का मान जीरो हो और x का मान भी क्या हो जीरो हो। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न में देखो यहाँ क्या दे रखा है, एंगल में लॉग के एंगल में दे रखा है dy बटा dx। तो क्वेश्चन ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि क्या करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, और सेम प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो लॉग dy बटा dx है और इधर हमारे पास क्या है 3x प्लस वाई। अगर मैं एंटी लॉग ले लूँगा, एंटी लॉग कैसे लेते हैं ए की पावर में एक्सपोनेंशियल, ए की पावर में है लॉग डी वाई बट्टे डी एक्स और ये भी चढ़ जाएगा ए की पावर में 3x प्लस 4y। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, कौन सा फॉर्मूला कि भैया ए की पावर लॉग एक्स सिर्फ किसके बराबर होता है एक्स के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो ए की पावर लॉग एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है डी वाई बट्टे डी एक्स है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 3x इंटू ए की पावर 4y, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। अब मैं क्या कर लूँगा, वेरिएबल सेपरेबल, y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में। ठीक है, फिर नीचे ऊपर ले जाना पड़ेगा, ए की पावर माइनस के 4y हो जाएगा डी वाई और ये ए की पावर 3x डी एक्स, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ हो गया। अब हमें क्या करना है समाकलन, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, ठीक है दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस के 4y डी वाई और ए की पावर 3x डी एक्स। ए की पावर x का इंटीग्रेशन के पावर x ही होता है, तो ए की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन माइनस के 4y, y के गुणे से माइनस के 4 है वो बट्टे में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए की पावर 3x का ए की पावर 3x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, हम जोड़ देंगे c। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा व्यापक हल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिला व्यापक हल मिला है, समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं एक, ये व्यापक हल मिला है। अब कई बच्चे ना आंसर को रटने बैठ जाएंगे और मुझे बोलेंगे कि सर आपका गलत है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है एनसीईआरटी से, तो आप गलत बता रहे हो। ये कोई गलत नहीं है, मैं पहले ही बार बार बोल दूं। ठीक है, अगर आपको पूरा एग्जैक्टली मैच करना है ना तो आपको एनसीईआरटी के आंसर फिर रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कंडीशन में, हमें प्रश्न में हमें बोल रखा है कि भैया अगर y का मान जीरो तब होगा जब x का मान आप जीरो लोगे, विशिष्ट हल निकालना है तो c को हटाना पड़ेगा, तो x बराबर जीरो पर हमारे पास क्या है y बराबर जीरो।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस वाई की जगह पर 0 बट्टे में 4, एक्स के जगह पे भी 0 बट्टे में 3 प्लस सी। तो किसी की घात अगर 0 हो तो ये माइनस प्लस मैटर नहीं करता, 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। ये आ गया, किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, 1/4, इधर आ गया 1/3 प्लस सी, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3, लॉस ऑफ आ जाएगा 12, 3 कम 3 4 कम 4, तो सी का मान आ जाएगा माइनस के 1/12। सी का मान क्या आ गया, माइनस के 1/12। तो हमें क्या करना है, सी का मान समीकरण में रख देना है, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये आंसर जो आ रहा है ना मेरा, ये आंसर आपके एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। अब वो क्यों नहीं करेगा वो मैं भी मैं दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में क्या किया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, यहाँ सी जोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, लॉस ऑफ पावर लिया है। ये ज़रूरी स्टेप्स नहीं है। अब लॉस ऑफ पावर लेना है तो ये चीज़ तुम्हें रटनी पड़ेगी, और रटने के बाद देखो यहाँ से सी का मान कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हमने जो किया वो गलत है, हमने यहाँ पे छोड़ा तो ये गलत नहीं है, कोई माइकल हल इसको गलत नहीं बता सकता। ये जितना सही एनसीईआरटी में उतना ही सही ये है, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो प्रश्नों को रट के थोड़ी ना जाओगे, ठीक है। अब सी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। सी का मान समीकरण में रखने पर, अच्छा ये लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर -4y बट्टे में -4। ओ तेरी, -4 था क्या यहाँ पर, -4 था, अरे यार नज़र हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ माइनस है तो -3 -4 -7 हो जाएगा, चलो सही है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3x बट्टे में 3, और सी का मान क्या है, -7/12। अब चाहो तो तुम यहाँ से लॉस ऑफ पावर निकाल के कर सकते हो या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल तभी मिलता है जब हम सी को हटा देते हैं कंडीशन की मदद से। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है 8 नंबर में, ठीक है, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये 8 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में बार बार आ जाता है पूछने में, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न को, एक्स की घात 1 है, वाई की घात 1 है, और गुणे में वाई है तो सबकी घात 2-2 हो जाएगी, 1 1 गुणे में 1 है। देखो ऊपर नीचे जब घात होता कट के 0 हो जाएगा, सबकी घात 2-2 है, तो ये समघाती अवकल समीकरण है, देख के पता लग रहा है। और उसके साथ साथ y के बट्टे में x एंगल में, यानी कि मुझे dy/dx के रूप में निकालना पड़ेगा, ठीक है, dy/dx के रूप में निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ dy/dx के रूप में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अगर मैं गुणा कर दूँ दिया गया अवकल समीकरण, तो यह है एक्स डी वाई गुणे में क्या है, वाई शाइन y/x माइनस y dx गुणे y शाइन y/x, गुणा कर दोगे ये हो जाएगा y dx गुणे में है x cos y/x x dy, ठीक है, x dy गुणे में क्या है, x cos y/x, ठीक है। अब आपको क्या करना, dy को एक तरफ लेके आना है और dx वाले को एक तरफ ले जाना है। यहाँ dy है, और कहाँ dy दिख रहा है मेरे भाई, और dy यहाँ दिख रहा है, तो dy यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे, ले लिया उभयनिष्ठ, यहाँ x गुणा y, यहाँ से क्या बचा, sin y/x, ये प्लस के तरह के माइनस का होगा, यहाँ चिन्ह लगेगा माइनस का, dy हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो x गुणा x यहाँ क्या हो जाएगा, x2, यह है cos y/x। अब इधर से आपको dx उभयनिष्ठ लेना है, dx जब लेंगे तो यहाँ आ जाएगा xy cos y/x, और ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, dx निकालोगे तो y गुणा y,
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, साइन वाई बट्टे एक्स। आराम से समझ में आ रहा है, ये डी एक्स गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स वाई कॉश वाई बट्टे एक्स प्लस का वाई स्क्वायर साइन वाई बट्टे एक्स। अच्छा ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, एक्स वाई साइन वाई बट्टे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉश वाई बट्टे एक्स। तो ये हमें देख के पता लगा कि भैया ये एक समघाती है। जब एग्जाम में बोले ना कि सिद्ध करके दिखाओ, समघाती तभी दिखाना है सिद्ध करके, ऐसे अलग से सिद्ध करने मत लग जाना, ठीक है। तो यहाँ बस लिख देना है कि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। समघातीय क्या है, अवकल समीकरण है, ठीक है। अगर बोला कि बोलता कि दिखाओ समघातीय अवकल सिद्ध कीजिए करके लिखा होता तभी सिद्ध करना होता, वरना उससे पहले मत करना। समीकरण एक मान लो, यहाँ क्या है dy बट्टे dx, तो आपको क्या मानना पड़ता है, y करके मानना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर क्या मानते हैं vx, तो dy बट्टे dx क्या हो जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड पहला गुणे दूसरे का अवकलज, x का अवकलज x के सापेक्ष एक होता है, फिर दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। अब हमें क्या करना है, y का और dy बट्टे dx का मान समीकरण नंबर एक में रख देना है, y तथा dy बट्टे dx का मान समीकरण एक में रखने पर, ये समीकरण एक ना यहाँ पर हमें रखना है, ठीक है जी। चलिए रखते हैं, dy बट्टे dx का मान क्या है, v एक कम v, ये x dv बट्टे dx, ये आठ नंबर में आता है एग्जाम में। x y की जगह पे हमें क्या रखना है, vx एक्स कॉश वी एक्स बट्टे एक्स, फिर y की जगह पे vx रखना, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह vx रखोगे वर्क करोगे ना, शाइन y की जगह पे vx बट्टे में यहाँ x, इसके बट्टे में क्या है, x y की जगह पे vx, फिर आपका है शाइन y की जगह पे vx बट्टे में x। अरे यार माइनस है, ये क्या है, माइनस है। फिर एक्स स्क्वायर कॉश वाई की जगह पे रखना है वी एक्स बट्टे में एक्स, कुछ कट पिट रहा होगा, देखोगे एक्स गुणा एक्स उभयनिष्ठ आ रहा है ना नीचे से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटेगा, ये कटा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा वी कॉश वी, और यहाँ से वी स्क्वायर शाइन वी, नीचे से बचेगा एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालोगे, यहाँ बचेगा वी, ये बचेगा शाइन वी माइनस, यहाँ से बचेगा सिर्फ कॉस वी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करना है आगे हल करने के लिए, अब आपको करना है एक्स, ये जो प्लस का भी इधर, इसको उठा के इधर ले आना है, ठीक है। तो ये है वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर शाइन वी, वी शाइन वी माइनस का कॉस वी, और ये प्लस का वी इधर के क्या हो गया, माइनस के वी हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, एक एक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे हल करना है ना, तो देखिए लॉ शफल ले लोगे आप, लॉ शफल क्या आ जाएगा, वी साइन वी माइनस का कॉस वी, इसके गुणा इसके साथ, तो ये यही रहेगा v cos v प्लस वी स्क्वायर शाइन v, v से गुणा करोगे माइनस v प्लस इंटू माइनस माइनस v गुणा v, v स्क्वायर शाइन v नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव v cos v, ठीक। कुछ कट पिट रहा है, प्लस का माइनस का कटा, v cos v, v cos v की, ये क्या हो गया, टू v cos v, बट्टे में क्या है हमारे पास, बट्टे में है v शाइन वी माइनस के कॉस वी। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, वी वाले को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, वी शाइन वी माइनस कॉस वी, और ये
इधर आ जाएगा बट्टे में कॉस वी, ये हो गया डी वी, ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, दो पहले से ही है, ये गुणे के इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। डाउट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो हो गया, वी वाला वी तरफ कर दिया, एक्स वाला एक्स की तरफ कर दिया, अब क्या करना है, समाकलन करना है दोनों तरफ। समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर अलग अलग ले लेते हैं, वी शाइन वी, वी कॉस वी, यहाँ से अच्छा डी वी वी कॉस वी के बट्टे में वी कॉस वी, इंटीग्रेशन एकदम आसान हो गया, डी एक्स बट्टे एक्स। अब आप खुद देखोगे मेरे भाई, यहाँ वी से वी कटा और यहाँ कॉस वी से कॉस वी कटा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन वी डी वी, और ये हो गया एक बट्टे वी डी वी, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, टेन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में लिखोगे तो लॉग शेक वाई होता है, और नेगेटिव में लिखोगे तो माइनस लॉग कॉस वी हो जाएगा, तो लॉग सेक वी पॉजिटिव में, और इसका होता है लॉग वी हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स, मॉडुलस में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ देखो इंटीग्रेशन में लॉग लॉग इंटीग्रल कांस्टेंट भी लॉग में ही जोड़ दो, लॉग सी जब सारे लॉग में है तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी लॉग में ही जोड़ा करो, ठीक। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा लॉग एम माइनस एन वाला, आप जानते होंगे लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बट्टा एन, और आप ये भी जानते होंगे एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम की पावर एन, तो पावर जो सामने गुणित में होता है ना वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लगा लो पहले, तो ये हो जाएगा लॉग एम बट्टा एन, और ये हो जाएगा लॉग जो दो गुणे में ये पावर में आ जाएगा। आप एक सूत्र ये भी तो जानते हो कि लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो ये एम के जगह पर है और ये एन के जगह पर है, लगा दो सूत्र में, ये लॉग शेक वी बट्टे वी, और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर सी, ठीक। तो लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लोगे तो कट जाएगा, और आपको पता है हमने वाई बराबर वी एक्स माना था, तो वी बराबर क्या हो जाएगा वाई बट्टे एक्स, क्योंकि वी को हटाना होता है लास्ट में, तो यहाँ रख दोगे शेक वी की जगह पे वाई बट्टे एक्स, वाई बट्टे एक्स, और यहाँ आगे एक्स स्क्वायर सी, ठीक है। तो ये इधर आके गुणे में आ जाएगा, बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, शेक वाई बट्टे एक्स, एक्स स्क्वायर सी बट्टे के इधर के गुणे में आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा शेक वाई बट्टे एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, एक्स वाई सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत लगे आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं 8-8 नंबर में बार बार, हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा विविध उदाहरण का आखिरी प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर और 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आ जाता है, हर साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं इसका हल ज्ञात कीजिए, इसका क्या निकालना है, हल निकालना है। तो ये प्रश्न एक रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा है, पहले चेक करोगे वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ नहीं कर पाओगे, फिर समघाती जब है नहीं तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, वो है आपका रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाई है और ये डी एक्स है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। डी एक्स बट्टा डी वाई के साथ क्या है, वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दो, भाग दे दोगे,
क्योंकि गुणे में था कि बट्टे में आ जाएगा 10 इनवर्स वाई, बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो अगर इसको व्यवस्थित करके लिखें dx बट्टे dy, और ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और ये बचा 10 इनवर्स वाई बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बचा। तो देखो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप में है, जो कि है dx बट्टे dy प्लस px इज इक्वल टू q के रूप में है, इसी रूप का होता है सेकंड टाइप का, ठीक है, जहां q फंक्शन होना चाहिए y का, बिल्कुल है, या तो फंक्शन y का होगा या फिर कांस्टेंट होगा, और x का गुणज या तो y के पदों में होगा या फिर कांस्टेंट होगा, जो कि है। तो यहां लिख देंगे, यहां p का मान जो है एक के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और q का जो मान है 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना होता है, समाकलन गुणक निकालना होता है। अब हम निकालेंगे समाकलन गुणक, समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही पावर में, क्योंकि बट्टे में dy है तो यहाँ dy आ जाएगा। ठीक है, हल करो, p p हमारे पास क्या, एक के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, एक ही पावर में 10 इनवर्स वाई, ये हमें हमारा समाकलन गुणक मिल गया। अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक है, वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x ऊपर है ना, तो x करके आएगा, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q, q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बट्टे में क्या है dy, तो यहाँ dy जाता है प्लस c, यही होता है x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, e की पावर में 10 इनवर्स y, ठीक है, e की पावर में क्या है 10 इनवर्स y है। अब क्या हो जाएगा, q मेरे पास क्या है, q है 10 इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 10 इनवर्स y dy प्लस c, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि e की पावर में जो भी है उसको मानने से उसका अवकलन नीचे मिल रहा है, तो मान लेंगे, माना t बराबर, t हम क्या मान लेंगे 10 इनवर्स y को, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, dy दिख रहा है तो y के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलज, 10 इनवर्स का अवकलज क्या था 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि dt क्या हो जाएगा, हम बट्टे का dy इधर के गुणे में, तो इसके जगह पे मैं क्या मान रख सकता हूँ, dt, dy बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैं dt रख सकता हूँ। अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रख देना है, x e की पावर में है 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स y को अपने t माना है, और dy बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर dt आ जाएगा, और e की पावर में इसको आपने क्या माना, t माना है, आइलेट का नियम लगाओगे तो इंटीजर या फिर इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड आ जाएगा और ये एल्जेब्रिक वाला फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगाकर समाकलन करना है, प्लस सी तो यहाँ ऑलरेडी है ही है, तो क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है,
पावर टी का समाकलन की पावर टी होता है टी का अवकलज टी के सापेक्ष एक हो जाएगा एक ही पावर टी का इंटीग्रेशन एक ही पावर टी बाहर से क्या डी टी। ये हो गया टी एक ही पावर टी एक ही पावर टी एक ही पावर टी एक ही पावर टी का इंटीग्रेशन एक ही पावर टी। ठीक है यहाँ से एक ही पावर टी उभयनिष्ठ आ जाएगा टी माइनस वन और लास्ट में आपको क्या करना टी का मान रख देना है। कहीं इधर टेन इनवर्स की जगह पर टी मत रख देना ठीक है इधर करना समाकलन में काम करना है। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर एक ही पावर टेन इनवर्स वाई और टी का मान हम रख देंगे टी का मान रखने पर तो एक ही पावर में आ जाएगा टेन इनवर्स वाई और यहाँ पर है टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर अगर ये चाहो तो इसको इधर ले जाओ ऐसा भी आप कर सकते हो क्योंकि ये माइनस देखो टेन इधर से ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ बचेगा टेन इनवर्स वाई माइनस वन और ये बट्टे वाला इधर के गुणे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सी क्योंकि नेगेटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर में चढ़ जाएगा एक ही पावर माइनस के टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है एक गुड़े में जाके बट्टे में आएगा बट्टे वाला ऊपर जाके पावर में चढ़ जाएगा प्लस में है ना नीचे प्लस में आएगा ऊपर जाके माइनस में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो ये भी सही है ये भी सही है। और इस तरीके से ये जो विविध उदाहरण है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं बाकी यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है उसके बाद हम विविध प्रश्नावली मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आशा करता हूँ ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान है और दो दो क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा भी जाता है 8-8 नंबर में। ठीक है व्यापक हल निकालने के लिए विशिष्ट हल निकालने के लिए 8-8 नंबर में प्रश्न आते हैं सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में। तो वीडियो को प्लीज शेयर करें पूरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब पढ़ा रखा है लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला वीडियो कौन चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं।